हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना के तैयार करेंगे आटे और गुड़ की बर्फी। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होगी ये, क्योंकि इसमें चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। हम गुड़ से बनाएंगे ये बर्फी। बर्फी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो इसमें एक चीज़ और पड़ेगी, वो आपको वीडियो के बीच में बताऊँगी मैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। इसमें एक कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, और जो एक चीज़ हमने डालनी थी वो है, एक कप हमने इसमें बेसन लिया है। गेहूं और आटे से बनाएंगे हम इसे। और यहाँ पे मीडियम आंच पे मैंने यहाँ पे एक कप ही यहाँ पे घी लिया है, देसी घी लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, वनस्पति भी ले सकते हैं। तो इसको हमें मेल्ट कर लेना है। कढ़ाई गर्म है और ये देखिए मेल्ट हो चुका है घी। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लें, घी में आटा और बेसन। जो इसमें बेसन है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम अकेले गेहूं के आटे से नहीं, इसमें बेसन मिक्स करके बर्फी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इसे लगातार चलाना है, और यहाँ पे लो टू मीडियम है गैस। इसको गैस को ज़्यादा तेज नहीं करना है हमें, नहीं तो हमारा ये जो आटा है, बेसन है, ये जल सकता है। इसलिए आँच को धीमा ही रखना है। और गुठली हो उसमें तो इस तरीके से कड़छी के उल्टी तरफ से इसको हमें दबा के गुठलियाँ निकाल देनी है। तो इसको अब इसी तरीके से हमें भूनना है, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके साथ ही भूनते भूनते मैंने इसमें एक चम्मच सूजी का भी डाल दिया है, जिससे एक अच्छा सा क्रंचीनेस आ जाएगा और हमारी अच्छी सी टेस्टी सी बर्फी बन के तैयार होगी। और इस तरीके से हमें आटे को, बेसन को लगातार चलाते हुए भून लेना है। और यहाँ इसका थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर लिया है गुड़, एक कप ही मैंने इसमें गुड़ लिया है। आप गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, बूरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसे हेल्दी बनाया है तो मैंने इसमें गुड़ को बारीक काट के इसमें डाल दिया है। गुड़ की डलियाँ बड़ी लग रही हैं, तो आप इस तरीके से जो मैशर आता है आलू का, जिससे हम आलू मैश करते हैं, तो आप इस तरीके से इसको मैश कर लें। और ये बहुत जल्दी मैश हो जाएगा, क्योंकि आटा और बेसन बहुत गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, और ये हमारा गुड़ जो है मैश हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होगी, क्योंकि बेसन भी है इसके अंदर। और इस तरीके से बना के तैयार कर लें। बर्फी तो मावे की भी बनती है, कई तरीके से बनती है, सूजी की भी बनती है, लेकिन आज हमने इसे जो घर में ही आटा होता है, बेसन भी घर में ही होता है और गुड़ भी, तो इन चीज़ों से हम मिला के बर्फी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक चम्मच घी और डाला है, क्योंकि बर्फी जमानी है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें डो थोड़ा पतला रखना है बर्फी का। और इसको मेल्ट कर लेंगे, और मेल्ट हो जाएगा बहुत जल्दी ये, क्योंकि गर्म है बहुत इसमें जो आटा है। और ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। और मैंने यहाँ पे थाली को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। हमें इसलिए लगाना होता है ऑयल, ताकि बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। और ये देखिए, मैंने सारा जो आटे है, बेसन है, सारा मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हमें गरम गरम ही सेट करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से दबा के कड़छी की सहायता से इसे सेट कर लें। और आप इसे कटोरी की सहायता से भी सेट कर सकते हैं, कटोरी से ऊपर से दबा के अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और ये देखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छी सेट हो गई है, और इसको जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके गरम गरम ही हमें इसके ऊपर, हमें मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है दबा के, ताकि ये इसमें लग जाए ड्राई फ्रूट्स हैं बर्फ़ी में। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको प्रेस करके दबा दिया है, ताकि ये बर्फ़ी में अच्छे से सेट हो जाए। और ये हमारी बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है। अभी ये गरम गरम है थोड़ी, तो इसलिए मैंने इसको बीच में से काट भी दिया है, और बाद में ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है कटने में, तो मैंने यहाँ पर काट के इसको रख दिया है। अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनके कितनी बढ़िया तैयार हुई है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए एक पीस। और ये हमारी बर्फ़ी बढ़िया सी टेस्टी सी बर्फ़ी बनके तैयार है। इस तरीके से आप तैयार कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक कर लें वीडियो को,
शेयर कर लें फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की हेल्दी रेसिपी बना सकें। और फ्रेंड्स चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मिलते हैं ऐसी ही एक और हेल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।